हेलो टू ऑल माय लवली व्यूवर्स हियर, आप सबका पिंक्स हैप्पी कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्वीट रेसिपी दैट ऑल ऑफ यू वुड लव टू ट्राई। दिस इज़ अ कैरमल पुडिंग और कैरमल ब्रेड पुडिंग। दिस इज़ वेरी क्रीमी एंड डिलिशियस डेजर्ट विच इज़ प्रिपेयर्ड आउट ऑफ कैरमलाइज्ड शुगर एंड द रिचनेस ऑफ मिल्क विच कम्स ऑफ रियली स्मूथ एंड वेलविटी। दिस इज़ लाइट tasty and easy pudding that you can easily prepare at home with just a few ingredients. I'll be preparing this in a pressure cooker to make it simpler for you. और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इस पुडिंग को माइक्रोवेव में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। So quickly, let's get started. These are some of the simple ingredients easily available in your kitchen. सबसे पहले आप ब्रेड स्लाइसेस की साइड्स रिमूव कर दीजिए। और अब इसको जेंटली हाथ से क्रश करते हुए इसके क्रम्स तैयार कर लीजिए। Now keep this aside. Next, take a pan and add 4 cups of milk. And 3/4 cup of sugar in it. Sugar आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं. Now mix this and keep it on high flame until 2 boils. After 2 to 3 boils, now off the flame and cover it with a lid and let it cool in room temperature. On the other hand, I'll be separating the egg white and the yolk of the eggs. गाइज, ये स्टेप इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एग वाइट्स को बीट करके आपको फ्रॉदी करना है, जो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं और एग बीटर से भी कर सकते हैं, विच एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। तो यहाँ मैं मिक्सी में एग वाइट्स को डालकर इसको बीट कर लूँगी जब तक इसका टेक्सचर स्मूथ ना हो जाए। गाइस, अगर आप वेजिटेरियन हैं, एग्स नहीं पसंद करते और आप इस पुडिंग का एगलेस वर्जन देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आई विल ट्राई टू पोस्ट द ईजीएस्ट वे टू मेक द एगलेस कैरमल पुडिंग एज सून एज पॉसिबल। Now here you can see that egg whites have become frothy with a good foam. Now at this point I'll be adding the milk and the sugar mixture in it. Next here I'm adding the bread crumbs. Here goes in the yolks of 4 eggs. Now add some drops of vanilla extract.
Now close the lid and blend this well. You can do all this with an egg beater as well. तो यहाँ पुडिंग बनाने के लिए हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम शुगर को कैरमलाइज करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक स्टील का टाइट ढक्कन वाला बॉक्स जो कुकर में इंसर्ट हो जाए। गाइज, आप उसी साइज़ का बॉक्स लीजिए जो आपके कुकर में ईजिली चला जाए और जिसका सरफेस फ्लैट हो। अब आप इस टिन बॉक्स में डालिए 4 टेबलस्पून शुगर और 2 टीस्पून पानी। Now keep this on medium to low flame and let the sugar caramelize. Now when you see it's melting, start swirling the tin. Keep rotating it to get a good caramel color out of it. Be careful while doing this step so that it doesn't stick from the bottom. Keep rotating the tin on low flame. Now here you can see the caramel has become darker. Now be careful at this point, guys. Now off the flame. And quickly place this in a bowl of normal water for a while. आप कैरमल का कलर अपने हिसाब से लाइट या डार्क रख सकते हैं। Keep rotating the pan so the mixture spreads all over the tin and settles down. बस ध्यान रखिए कि पानी टिन में ना जाए। Now as you can see the caramel has settled down in the tin. Now remove it from the water and here I'll be adding the prepared mixture. Fill the box leaving a little space. Now close the lid. अब हम इस बॉक्स को कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रेशर कुकर में आप अप्रॉक्सीमेटली 2 ग्लास पानी डाल दीजिए और इस तरह की कोई भी जाली या फिर स्टैंड नीचे प्लेस कर दीजिए। कुकर को थोड़ा सा टिल्ट करते हुए केयरफुली ये बॉक्स इसमें प्लेस कीजिए। अब आप इस पर कोई भी वेट रख सकते हैं ताकि कुक करते समय अंदर बॉक्स का ढक्कन स्टीम की वजह से खुले नहीं। अब आप कुकर की विसल और रबड़ दोनों रिमूव कर दीजिए एंड क्लोज द लिड। नाउ कीप दिस ऑन मीडियम टू लो फ्लेम फॉर अबाउट 30 to 35 मिनट्स। Until then guys, I'll show you how you can prepare this pudding in microwave. यहाँ मैंने एक माइक्रोवेव सेफ स्क्वेयर डिश ले ली है और किसी भी नॉन स्टिक पैन में आप सिमिलर प्रोसेस से कैरमल रेडी कर लीजिए, एडिंग 4 टीस्पून्स ऑफ शुगर एंड 2 टीस्पून्स ऑफ वाटर। तो अब आप देख सकते हैं कि कैरमल का कलर चेंज हो गया है। नाउ क्विकली पोर दिस इन द डिश and rotate the dish quickly to spread it all over. Now I'll pour in the leftover remaining mixture just to show you the process for microwave. Now here this goes in the microwave and set the timings for 15 minutes. You can check in between with a toothpick. दूसरी तरफ हमारी प्रेशर कुकर वाली पुडिंग ऑलमोस्ट डन है। मैंने कुकर में से बॉक्स को निकाल लिया है। अब आप इसका ढक्कन खोलिए और एक टूथपिक या नाइफ से चेक करके देख लीजिए
अगर ये टूथपिक या नाइफ से स्टिक नहीं कर रही है दैट मीन्स इट्स रेडी। मैं नीचे हाथ रख के भी आपको दिखा देती हूँ कि ये स्टिक नहीं कर रही है। सो नाउ यू हैव टू कीप दिस इन द फ्रिज फॉर एटलीस्ट 2 hours टू सेट। सो गाइज इट्स बीन 2 to 3 hours नाउ। मैंने बॉक्स को फ्रिज में से निकाल लिया है। अब एक शार्प नाइफ से आप इसकी साइड्स रिलीज कर लीजिए और अब इसके ऊपर एक प्लेट रखकर इसको वेरी केयरफुली अपसाइड डाउन कर लीजिए। नाउ स्लोली एंड जेंटली रिमूव द बॉक्स एंड देयर यू गो, इट्स लुकिंग यमी। नाउ कट दिस विद अ शार्प नाइफ एंड एंजॉय दिस सुपर डिलीशियस डेजर्ट। सो लास्टली गाइस चलिए जल्दी से आपको माइक्रोवेव में बेक की हुई पुडिंग को भी अनमोल्ड करके दिखा देते हैं। फॉलो द सेम स्टेप। मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। नाउ स्लोली रिमूव द मोल्ड एंड देयर इट इज। यू कैन टॉप अप विद अ चेरी और अ स्ट्रॉबेरी और एज यू विश। सो गाइस अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हिट ऑन द लाइक बटन बिलो, शेयर इट ऑन योर फेसबुक पेज और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस देख सकें। योर केयर एंड सपोर्ट मैटर्स अ लॉट। टिल देन एंजॉय योर डे। बाय बाय।